मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंबेडकर पार्क में नेहरू युवा केंद्र मुरादाबाद के अंतर्गत जिला स्तरीय युवा उत्सव 2022 सांस्कृतिक उत्सव समूह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। वहीं कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए जिला युवा अधिकारी अंकित कुमार ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र, जो कि भारत सरकार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का विभाग है, उसके तहत ये जिला युवा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और विशेष अवसर है, मंच है। और नेहरू युवा केंद्र, जो कि भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का ये विभाग है, तो उसके तहत ये जिला युवा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और विशेष अवसर है, मंच है हमारे ग्रामीण अंचलों के युवाओं के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग गाँव से 200 से अधिक 250 से अधिक युवा हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला, भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं फोटोग्राफी प्रतियोगिताओं में वो प्रतिभाग कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है ये प्रोग्राम कराने का? देखिए, इस प्रोग्राम का एक विशेष उद्देश्य ये है कि ये अपने आप में अनूठा, विशेष मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये एक जिला युवा उत्सव है जो भारत के ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाएं रहती हैं, हमारे युवा दोस्त रहते हैं जिन्हें शहरों के युवाओं के समान अवसर नहीं मिलता। उन युवाओं की प्रतिभाओं को, चाहे वो प्रतिभा डांस में हो, पेंटिंग में हो या भाषण में हो, उन प्रतिभाओं को यहाँ पर एक मौका दिया गया है। विशेष तौर पर ये प्रतिभाओं को हमने अपने युवा क्लबों से, ग्राम पंचायतों के माध्यम से, कई माध्यमों से हमने उनका मूल्यांकन करके उन्हें लेकर आए हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर विनोद अग्रवाल, भाजपा के जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी रहने वाले प्रतिभागियों को मुख्य अतिथियों ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में भारी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरी इलाकों के युवाओं ने भाग लिया।